भारतीय रेलवे ने एक नया अपडेट जारी किया है। आपको बता दें कि यात्रियों को बड़ा झटका देते हुए रेलवे ने 30 जून 2020 तक या फिर उससे पहले यात्रा करने के लिए बुक किए गए सभी टिकट्स को रद्द कर दिया है। जी हां, 30 जून 2020 तक बुक किए गए सभी टिकट्स का रिफंड कर दिया गया है। इसके अलावा सभी स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेन अपने समय अनुसार चलेगी। रेलवे ने इससे पहले 17 मई तक ट्रेन के लिए टिकट्स कैंसिल किए थे। आपको बता दें कि यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने मेल, एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवाओं सहित सामान्य यात्री सेवाओं को चलाने पर विचार किया था। इसको लेकर टिकट बुकिंग भी शुरू हो रही थी, लेकिन अब इस खबर पर पूर्ण विराम लग गया है। रेलवे ने आगामी 30 जून तक सभी मेल, एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवाओं सहित सामान्य यात्री सेवाओं में बुक किए गए टिकट्स को कैंसिल कर दिया है। यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे अब सभी स्पेशल ट्रेन्स में वेटिंग टिकट की सुविधा के साथ ही स्लीपर कोच को भी जोड़ने का फैसला कर चुकी है। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सकेगा। इस प्रक्रिया के बाद एसी वन टियर और एग्जीक्यूटिव क्लास में 20-20 वेटिंग टिकट्स, एसी दो टियर में 50 टिकट्स और एसी तीन टियर में 100 वेटिंग टिकट्स बुक हो सकेंगे। इसी के साथ ही स्लीपर क्लास में सर्वाधिक 200 वेटिंग टिकट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लॉकडाउन में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। इसके चलते श्रमिक और स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई हैं। अब इन सभी स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर क्लास को भी जोड़ा जाएगा। जी हां, रेलवे ने अब एक नया फैसला लिया है जिसके चलते अब सभी स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर क्लास को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ जो टिकट वेटिंग टिकट जो लगातार बंद चल रही थी, अब उसको भी शुरू करने का प्रयास रेलवे करने जा रही है। 22 मई के बाद बुक की गई सभी टिकटों में अब वेटिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिसके चलते एसी फर्स्ट और एग्जीक्यूटिव क्लास में 20-20 टिकटें, इसके साथ ही एसी टू टियर में 50-50, एसी थर्ड में 100 टिकटें, इसके साथ ही नए जोड़े गए स्लीपर क्लास में करीब 200 टिकटों की अवेलेबिलिटी रहेगी जो वेटिंग क्लास में बुक की जा सकेंगी। इसके अलावा आरएसी की टिकट के लिए अभी तक रेलवे ने कोई जो नियम है उसमें परिवर्तन नहीं किया है। आरएसी की टिकट अभी भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। मैं कैमरा पर्सन मेमीचंद पांचाल के साथ ऋषभ पांडे, एवन टीवी न्यूज, जयपुर। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए संवाददाता ऋषभ पांडे मेरे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, बड़ा यहां पर एक फैसला लिया गया रेलवे के द्वारा। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि 17 मई के बाद में रेल सेवाएं बहाल हो जाएगी, लेकिन सभी कयासों पर यहां पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। क्या पूरी अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, अगर लॉकडाउन में देखा जाए तो फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके चलते जो मेल, एक्सप्रेस यात्री, उपनगरीय सेवाओं को लेकर जो ट्रेन शुरू करने की बात थी, अब उसको 30 जून तक कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि रेलवे ने एक लोगों को हेल्प करने के लिए, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम भी उठाया है कि ट्रेन में स्लीपर कोच को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ जो वेटिंग टिकट है उसको भी अब शुरू कर दिया गया है। अब लोग अगर एसी की बात करें थर्ड लोगों को टिकट मिल पाएंगी। जी, कहती हूँ। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभ।